गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैंने आपको राइस रेसिपीज़ का ब्रीफ करने के लिए बनाया है। जब भी हम पेशेंट को संसर्जन क्रम कराते हैं तो उस संसर्जन क्रम की विधि के अंदर हमें बताना पड़ता है कि आपको किस तरह से जो चावल है उसको यूज़ करना है, तो उसी को बताने के लिए ये वीडियो आपके हेल्प आएगी। संसर्जन क्रम में हमारे पास छह प्रकार की जो है वो परिकल्पनाएँ रहती हैं। पहली है मंड है, जो एक भाग चावल और 14 गुना जल, पिया वो भी एक भाग चावल 14 गुना जल होता है, जिसके अंदर ये वागु होता है, जिसके अंदर एक भाग जल सॉरी राइस होता है और 6 भाग जल होता है, अन्न एक भाग अन्न चावल होता है, 5 गुना जल होता है। विलेपी में इसी रेशियो 1:4 रहता है, और उड़दन के अंदर ये 4 भाग तो आपका अन्न रहता है, मतलब चावल रहता है, और 14 भाग जो होता है वो जल रहता है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये रेशियो 1:3.5 के आसपास रहता है। जब आप बेसिक संसर्जन क्रम में जाते हैं तो पहला दिन जो होता है हमारा संसर्जन क्रम का, तो मॉर्निंग में जो है वो उल्लंघन कराया जाता है पेशेंट को। सेकंड अन्नकाल से हम मंड देते हैं, 2 काल में मंड दिया जाएगा, फिर अगले 2 काल में पेया, फिर उसके अगले में ये वागु, फिर अगले में अन्न, फिर विलेपी, फिर ओदन, फिर लास्ट जो हमारा अन्नकाल आएगा उसमें हम नॉर्मल डाइट देते हैं ऑन द 7th डे। अगर मात्रा की बात की जाए तो पहले 2 अन्नकाल में जितना कि जो पेशेंट है जिसका संशोधन किया है वो ले पाता है उतना ही देते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन उसका जैसे शोधन हुआ है। और जो तीसरा अन्नकाल है उसमें हम धीरे धीरे ग्रेजुएट करके कोशिश करते हैं कि जो उसका एक्चुअल नॉर्मल डाइट है उसका एटलीस्ट 1/4 पार्ट के आसपास वो ले, और इसी तरह से ग्रेजुएट होके हम जो आने वाला जैसे हम अन्नकाल है उसमें 1/2 पार्ट और 3/4 पार्ट्स और फिर नॉर्मल डाइट पे लेके आते हैं। और आफ्टर मतलब 5वें दिन के बाद जितना वो ले रहा था अपनी जो राइस की कल्पना ले रहा था वो नॉर्मल रखते हैं, 6th-7th डे पे वो अपना जो पहले जो हमने संशोधन किया है उससे पूर्व जितना था वो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट आ जाना चाहिए। ये कैसे प्रोसेस करना है उसका एक थोड़ा सा गाइडेंस करने के लिए है कि यहाँ पे जो है चावल जो है वो प्रेफरेबली शाली चावल लेना चाहिए, शिष्टिक चावल लेना चाहिए, जो पुराना हो 1 साल वो लेना चाहिए। स्टेप 2 में उसे पानी से अच्छे से साफ करना चाहिए, रिपीटेडली साफ कर लेना चाहिए। फिर जो प्रिस्क्राइब्ड जो हमारा अमाउंट है पानी का उसमें उसको बॉईल करना चाहिए जब तक कि चावल जो है प्रॉपरली कुक नहीं हो जाए। और फिर एज अ लास्ट पार्ट जैसे मंड के अंदर है वहाँ हम उसको रिपीटेडली फिल्टर करते हैं ताकि उसका सिर्फ लिक्विड पार्ट है वो हमें मिले, लेकिन जो अन्य जो परिकल्पनाएं हैं उसके अंदर जैसा हमको डिज़ायरेबल कंसिस्टेंसी है वैसी हम लेते हैं। सो ये पिक्स हैं जिसके जिसमें जो डिज़ायरेबल कंसिस्टेंसी है उसको यहाँ शो किया गया है कि कम्प्लीटली फिल्टर्ड है, सेमी लिक्विड है, कितना जल होना चाहिए, ये इस तरह का एक डिमॉन्स्ट्रेशन किया है जो इस तरह का आप खुद भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। सो ऑन आप जब खुद इन सब चीज़ों को बनाएंगे तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली पेशेंट को बता पाएंगे कि ये ऐसा होता है।
सो एक बार आप इसको खुद बना के देखिएगा, दैट इज माई एडवाइस, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं बना पाते तो आप बता नहीं पाएंगे पेशेंट को अच्छे से। सो आप एक बार ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि एक बार आप ये जितना भी हमने डिस्कस किया है उसी रेशियो में उसी तरीके से जितनी भी राइस रेसिपीज है एक बार खुद बना के देखिए, एंड ये आपको ईज करेगा आगे पेशेंट को बताने के अंदर कि किस तरह से आपको राइस की जो है प्रिपरेशंस बनानी है संयोजन क्रम में।